आईटीबीपी के जवान ने अपने ही विभाग को चूना लगाने की साजिश। बैंक में जमा कराने दिए गए 11,50,000 रुपए का किया गबन। 29वीं वाहनी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल जमतरा कैंप में कार्यरत डाक रनर दल के अनिल प्रजापति को विभाग के द्वारा 11,50,000 रुपए बैंक में जमा करने के लिए दिए गए, परंतु अनिल प्रजापति के द्वारा यह रुपए बैंक में नहीं जमा किए गए। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहा एवं विभाग में जाकर उसने रुपयों के चोरी होने की सूचना दी। जबलपुर की कैंट थाना पुलिस ने इस जवान की साजिश को बेनकाब करते हुए चुराए गए रुपए बरामद कर लिए हैं। थाना कैंट क्षेत्र अंतर्गत एक बेहद ही दिलचस्प वाक्या सामने आया था 19 तारीख को, जिस पर कि एक आर्मी के जवान अनिल कुमार प्रजापति द्वारा थाने में आकर ये रिपोर्ट की गई कि वह जा रहे थे शासकीय पैसा कैंटीन के जमा करवाने के लिए, जिस पर से 11,50,000 रुपए वो अपने साथ बैग में रखे हुए थे, जो उन्होंने बाइक पर टंगा दिए और फिर वो वॉशरूम के लिए गए तो वहाँ से कोई बैग ले गया। तो ये घटना बड़े ही संदेहास्पद लगने के कारण थाना प्रभारी द्वारा एवं थाने में उपस्थित अधिकारी कर्मचारी द्वारा इसको संजीदगी से लिया गया, तो आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरास और उस रूट को पूरा अच्छी तरीके से विश्लेषण किया गया, जिस पर यह प्रतीत हुआ कि इनका संदिग्ध आचरण है, जिस पर कि फिर उनकी यूनिट को भी इन्फॉर्मेशन दी गई और उसके बाद फिर जो भी कार्रवाई उनके यूनिट से द्वारा पूछी गई कि इनको कहाँ से पैसा मिला, उसकी पूरी तस्दीक की गई। और जैसे जैसे थाना प्रभारी एवं उनकी टीम के द्वारा इस पे काम किया गया तो पता चला कि जो आरक्षक अनिल कुमार हैं उनका ही जो आचरण है वो संदेहास्पद लगा, जिस पर फिर 20 तारीख को मामला पंजीबद्ध उनके आर्मी के जो डिप्टी कमांडेंट द्वारा करवाया गया, जिस पर फिर विवेचना की गई, जिस पर कि उल्लेखनीय भूमिका में इनमें थाना प्रभारी एवं जो सब इंस्पेक्टर गौरी शंकर है, सब इंस्पेक्टर गणपत हैं, इन लोगों ने बहुत ही मेहनत से इसका मामला पूरा उजागर किया, जो बाद में पता चला कि वो जो आरक्षक है उसको जो पैसा जमा कराने के लिए मिला था 11,50,000 रुपये, तो उसकी कई सारी अपनी पैतृक उधारियाँ थी और कई सारी उसने उधारी ले रखी थी, जिसको इतना सारा पैसा देख के उसकी नीयत खराब हो गई और उसने फिर वो पैसा खुद ही गबन करने की योजना बनाई। उसने वो शासकीय पैसा अपने घर में छुपा दिया और यहाँ थाने में आके रिपोर्ट करी कि वो चोरी हो गया, तो जिसमें उन्होंने सूझबूझ कर उससे पूछताछ करके पूरा पैसा रिकवर करवा लिया।